बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निवास का घेराव किया और महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के आसमान छूते दामों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निवास का घेराव किया और महंगाई का विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथ में बेशर्म के फूल लेकर विरोध जता रहे थे। इस मौके पर कांग्रेसी नेता मोनू सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हर चीज महंगी हो गई है। आम जनता एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से परेशान थी, ऊपर से इस महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, जिसे कम कर आम जनता को राहत दी जाए। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।